हेलो एवरीवन, आज हम मेडिकल फील्ड में बायोटेक की एक और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो डिसीज़ की डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे हम, जिसमें हम डिसीज़ को डिटेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। ये मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हो सकते हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ का पता लगा सकते हैं। एंड इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ डायग्नोजिंग ऑफ मैनी डिसीज़। इवन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर लो कंसेंट्रेशन में भी है तो भी हम उस डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज द वेरियस डिसीज। जो कन्वेंशनल मेथड है बेटा, कन्वेंशनल मेथड जो पुराने मेथड्स थे उनमें डिसीज़ का पता इतनी जल्दी नहीं लगा सकते थे। जब तक सिम्टम्स विजिबल नहीं होते थे तब तक हम डिसीज़ का पता नहीं लगा सकते। लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोज ऐसी टेक्निक है बायोटेक की जिसकी हेल्प से हम हमारी, मान लो हमें डाउट है कि हमें कोई डिसीज़ है, तो हम पहले ही जाकर अपना अर्ली डायग्नोज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ये टेक्निक इवन हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी पैथोजन ने अटैक भी किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं शो होते, कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो बाद में सिम्टम्स शो करती है जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जब वो पैथोजन स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में चला गया है और अभी हमें सिम्टम्स हमारी बॉडी शो नहीं कर रही है, उस पैथोजन की बहुत ही लो कंसेंट्रेशन है हमारी बॉडी में, तो उस स्टेज पर हम किसी डिसीज़ को डिटेक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बायोटेक्निक लाइक PCR, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड ELISA टेस्ट। ओके, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये टेक्निक इवन पैथोजन लो अमाउंट में भी है हमारी बॉडी में, अभी हमारी बॉडी में सिम्टम शो नहीं हुए हैं, उस सिचुएशन में भी ये टेक्निक हेल्प करती है डिसीज़ को डायग्नोज करने में। सबसे पहले हम देख लेते हैं PCR। PCR होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज, जो DNA जो डिज़ायर्ड पीस ऑफ DNA उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिज़ायर्ड DNA जिसकी हम 30 साइकिल्स, अगर हम 30 बार PCR को रिपीट करें तो 1 मिलियन कॉपीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब PCR की हेल्प से हमारी बॉडी में सैंपल लेकर के जब वो पैथोजन बहुत ही लो कंसंट्रेशन में है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द बॉडी डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन, क्योंकि जब वो पैथोजन बहुत कम अमाउंट में है, सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पैथोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसकी हेल्प से, PCR की हेल्प से, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पैथोजन ज़्यादा तो बनेगा ही, पर हम क्या करते हैं उसको पहले ही लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा बना देते हैं। और कैसे बनाएंगे, उस पैथोजन की न्यूक्लिक एसिड को लेंगे, उसको एम्पलीफाई कर देंगे PCR से, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। वो बहुत ज़्यादा हो गया, अब उस पैथोजन को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसकी डिटेक्शन कर लेंगे। और ये जो मेथड होता है PCR मेथड, इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV, जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं एड्स के, क्योंकि एड्स के सिम्टम बहुत टाइम बाद विजिबल होते हैं बॉडी में। लेकिन अगर किसी पर्सन को लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं या प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, उनके अंदर एड्स के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पहले ही उनको मतलब उनकी जो टेस्टिंग होती है वो PCR मेथड के थ्रू टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि जो अगर वो पैथोजन इवन उनकी बॉडी में अगर कुछ आ भी गया है तो उसको एम्पलीफाई करके उनका पहले ही टेस्ट कर दिया जाता है कि आपको इन फ्यूचर ये डिसीज़ हो सकती है या नहीं, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है बेटा जेनेटिक म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी इस टेक्निक की हेल्प से, PCR की हेल्प से डिसीज़ का पता लगाया जा सकता है। कैसे, जैसे कैंसर को पेशेंट होते हैं उनको, जैसे ऑन्कोजीन्स होते हैं जो वायरस होते हैं, प्रोटोन्कोजीन्स तो हम सबकी बॉडी में है जो इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन्कोजीन वायरस, ये किसी भी रीज़न की वजह से एक्टिव हो जाते हैं और जीन को म्यूटेट कर देंगे बॉडी के अंदर। तो जीन म्यूटेट हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाएगी, उसको भी ये PCR टेक्निक की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। इनके अलावा और भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम PCR टेक्निक की हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है बेटा वो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी डिसीज डायग्नोज में हेल्पफुल होती है। कैसे, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब लेते हैं। ये प्रॉब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA मॉलिक्यूल होता है जिसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया जाता है।
ये प्रोब हम आर्टिफिशली लैब में सिंथेसाइज करते हैं, इनके सीक्वेंस हमें पता होते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं प्रोब के। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, हमने सैंपल लिया डीएनए का, ठीक है, उसके फ्रैगमेंट्स बनाए, ठीक है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना दिए हमने सेल के अंदर जो डीएनए है। अब हम क्या करते हैं इन प्रोब्स को, बहुत सारे जैसे ये हमारे पास प्रोब्स हैं, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है सारे, ये हमने बहुत सारे प्रोब्स लिए, ठीक है, जो हमारे डीएनए, इन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हमने तैयार किए हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोब्स को हम यहाँ अलाउ कर देंगे हाइब्रिडाइज करने के लिए, तो ये सारे के सारे प्रोब हो सकता है इनके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, लगभग सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, बाइंड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और हो सकता है ये एक डीएनए फ्रैगमेंट किसी भी प्रोब के साथ बाइंड ना करे। क्यों, अभी क्यों नहीं बाइंड कर रहा, क्योंकि इस डीएनए के सीक्वेंसेस में क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, जिस वजह से जो हमने प्रोब बनाया हुआ था नॉर्मल डीएनए के अकॉर्डिंग, अब वो प्रोब के सीक्वेंसेस इसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये डीएनए अकेला एक सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि डीएनए की इस पार्ट के ऊपर म्यूटेशन आ गई है। और कैसे पता चलेगा, जब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के बाद जो म्यूटेटेड जीन है, हमने ये देखा ये म्यूटेटेड जीन है क्योंकि इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई प्रॉब की, तो म्यूटेटेड जीन विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर अब दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल पार्ट थे जो हाइब्रिडाइज हुए थे वही दिखाई देते हैं जो म्यूटेटेड जीन है, क्योंकि वो किसी के साथ हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव प्रॉब तो बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव प्रॉब इसके साथ बाइंड नहीं हुआ, तो ये म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा डीएनए के इस सीक्वेंस में म्यूटेशन आई है और कोई ना कोई डिसऑर्डर है। थर्ड हमारे पास है बेटा एलिसा टेस्ट, बेसिकली किया जाता है एड्स की डिटेक्शन के लिए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, तो ये टेस्ट किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर। ओके, यहाँ पर एंटीजन क्या है, एंटीजन यहाँ पर है जो रेट्रोवायरस होता है, एचआईवी वायरस, ये एंटीजन का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, और इसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन बनाता है उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ओके, तो एलिसा टेस्ट कैसे किया जाता है, मान लो कोई पेशेंट है, उसको अभी क्योंकि एड्स के सिम्टम्स बहुत बाद में दिखाई देते हैं, तो पहले अगर किसी को लगता है कि वो सस्पेक्टेड है, उसको हो सकता है ये, इस टेस्ट में बेटा हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका ब्लड सैंपल सीरम लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक ट्रे होती है उसके अंदर बहुत सारे ये वेल्स बने होते हैं, इस तरह के वेल्स होते हैं, इनमें से मैं एक वेल्स का डायग्राम यहाँ बना रही हूँ, ये इस तरह के वेल्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें जब सैंपल को डाला जाता है तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हो सकती हैं, इट मीन्स ये पर्सन उस एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आया है, एंटीजन जैसे ही आया था हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, तो हो सकता है इसके ब्लड के सैंपल में वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस तरह से ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये एंटीबॉडीज है इसके सैंपल में, और हम क्या करते हैं अब यहाँ से एंटीजन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, हमें पता तो है एड्स के लिए एचआईवी वायरस कॉजिंग एजेंट होता है, तो जब एंटीजन इसके अंदर डाला जाता है, अगर ये एंटीजन इसके साथ बाइंड करे है या नहीं इसका भी हम पता करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम लिंक के ऊपर बेस्ड है, तो इसके अंदर एंजाइम भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये एंजाइम क्या करता है, इनकी इंटरेक्शन का डिटेक्शन करता है, अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर जाती है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, अगर ये एंटीबॉडी इस एचआईवी एंटीजन के लिए ही बनाई हुई है, तो ये एंटीजन को अपने ऊपर अटैच कर लेगी, और जब हम इसकी इंटरेक्शन कराते हैं एंजाइम के साथ और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू इसको पास कराते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई कलर शो होता है तो इट विल शो द पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब उस पेशेंट को एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कलर नहीं आता, कोई कलर नहीं आया, इट मीन्स यहाँ पर कोई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो जो रिपोर्ट आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एलिसा टेस्ट की हेल्प से सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट है उनके अंदर आगे ये डिसीज होगी या नहीं, इसका भी हम पता लगा सकते हैं एलिसा टेस्ट के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू भी हम डिसीज को पहले ही डायग्नोज कर सकते हैं।
तो बेटा मॉलिकुलर डायग्नोसिस जो होते हैं मेथड्स, इनमें हम किसी भी डिसीज़ को होने से पहले अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं जब पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत ही लो है।